हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और पहुंच चुके हैं हम NH2 पर। जी हाँ, आप सही समझे, वही हाईवे जो जोड़ती है कोलकाता को दिल्ली से। और आज हम जा रहे हैं घाघर बूढ़ी अमावस्या मेला देखने आसनसोल में। घाघर बूढ़ी जो कि आसनसोल की बहुत विख्यात मंदिर है और ये NH2 पर है। तो आइए देखते हैं हम ये मेला और करते हैं माँ घाघर बूढ़ी के दर्शन। मतलब मेला, मतलब पूरा पश्चिमी मेला। देखिए दोस्तों, ये ऊपर लिखा है माँ घाघर बूढ़ी का मंदिर। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं माँ घाघर बूढ़ी के मंदिर उनके दर्शन के लिए। तो आइए देखते हैं, करते हैं उनके दर्शन। इधर भी देख लेते हैं। यज्ञ हो रहा है और आपने देखा दोस्तों घाघर बूढ़ी मंदिर और उसका प्रांगण कितना सुंदर है। मंदिर के अंदर शूट मना है, इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर का व्यू नहीं दिखा सकते। आइए चलते हैं और मेला देखते हैं। देखते हैं ना क्या क्या मिल रहा है। आइसक्रीम है, सिंगिंग का प्रोग्राम हो रहा है। तो दोस्तों, इस मेला में हो रहा है ऑर्केस्ट्रा और मेले में ढेर सारी बच्चों के खेलने की चीज़ें बिक रही हैं और चाट, गुपचुप, भेलपूरी, आइसक्रीम जैसी काफ़ी खाने की चीज़ें भी मिल रही हैं।
ये मेला हर साल अमावस्या के दिन लगता है जून महीने में, और हम लोग 12 बजे रात को ये मेला घूम रहे हैं, फिर भी यहाँ इतना भीड़ है तो सोचिए कि कितना भव्य मेला होगा। तो आप अगर कभी आसनसोल आते हो तो ये मंदिर जरूर आना, ये मंदिर आसनसोल की सबसे विख्यात मंदिर है। और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है खाने को। नेट वगैरह बाहर है। रुक रुक रुक। ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं। अब समाप्त हो चुका है, आप सभी अपने ये ले लो। दस भैया झाल मुड़ी बनाइए ना, ये कच्चा चना मत डालिएगा। अपने ना? नहीं कच्चा वाला मत डालिएगा, ये भी मत डालिएगा, मिर्चा डालिए। अच्छा खट्टा, हाँ खट्टा तो चलेगा ही। दोस्तों, आपने कभी गोदना का नाम सुना है? यहाँ पे काफी सारे लोग अपने बॉडी पे गोदना बनवा रहे थे। यहाँ 3 से 4 दुकानें गोदना की थी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, पुराने जमाने में जो अस्थाई परमानेंट टैटू होता था उसे ही हम गोदना कहते हैं। क्या आपने गोदना वर्ड पहले कभी सुना है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपको बता दूं
आप अगर घाघरबूढ़ी मंदिर आना चाहो तो कैसे आ सकते हो। माँ घाघरबूढ़ी का मंदिर आसनसोल में काफ़ी मान्यता है, इसलिए दूर दूर से यहाँ घाघरबूढ़ी मंदिर के दर्शन करने को लोग आते हैं। घाघरबूढ़ी मंदिर जाने के लिए अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आसनसोल स्टेशन या फिर काली पहाड़ी स्टेशन आना पड़ेगा। काली पहाड़ी स्टेशन से आप ऑटो ले सकते हो जो 5 से 10 मिनट में आपको घाघरबूढ़ी मंदिर पहुंचा देगी। आसनसोल स्टेशन से मंदिर की दूरी काफ़ी है, पर आसनसोल एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ सारी ट्रेन्स रुकती हैं। अगर आप आसनसोल स्टेशन उतरते हो तो वहाँ से आप बस स्टैंड आ सकते हो। बस स्टैंड से फिर बस स्टैंड से दूसरी बस लेकर आप घाघरबूढ़ी मंदिर जा सकते हो। इसमें आपको करीब 30-40 मिनट समय लगेगा, या फिर आप डायरेक्ट स्टेशन से आसनसोल स्टेशन से ऑटो करके घाघरबूढ़ी मंदिर जा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर कभी मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर किसी नए सफ़र में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो एंड घाघरबूढ़ी का मंदिर कैसा लगा।